गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन ठीक है यहाँ पे हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स कि आपको रो और कॉलम में इंटरचेंज एलिमिनेट करके यानी कि आपको यूजिंग ऑपरेशन यूज करना है ऑपरेशन कैसे यूज करेंगे बेटा देखना है सबसे पहले सपोज करते हैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था तो क्या होता है एलिमेंट्री लेट ए इक्वल टू आई ए यहाँ पे ए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स और ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स होगा तो वैल्यू फुट कर लो इसको सॉल्यूशन करने के लिए वन टू माइनस वन थ्री और आई आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू आपको पता है वन जीरो जीरो वन एंड ए ठीक है तो मुझे इस हिसाब से इसमें ऑपरेशन यूज़ करने की इस पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है यहाँ वन बनाना है यहाँ आपको वन बनाना है इधर और इधर आपको जीरो बनाना है ठीक है आपको जीरो बनाना है तो तब ऑपरेशन क्या यूज़ करोगे अगर मैं आर टू ये आर वन आर टू है यूजिंग आर टू में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं आर टू माइनस टू आर वन टू आर वन तो मुझे इस चीज को जीरो करना है ना तो लिखूंगा किस में आर टू में देखता हूं कितना होता है आर टू माइनस आर वन वन आर वन में कोई चेंज नहीं माइनस वन आर टू की वैल्यू टू माइनस टू इन टू वन टू आर टू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है टू आर टू की वैल्यू कितनी है टू यहाँ पर मैं सब चेक कर लेता हूँ आर टू माइनस टू आर वन टू माइनस टू इंटू वन यानी कि जीरो हो जाएगा ठीक ऐसे सेकंड ऑपरेशन सेकंड कॉलम में लगा यूज करो थ्री माइनस टू इंटू माइनस वन देट मीन्स कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये थ्री प्लस टू यानी कि फाइव हो जाएगा ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें देन इक्वल टू आपका इधर भी चेंज करना पड़ेगा आर वन में कोई चेंज नहीं वन जीरो आर टू की वैल्यू कितना है जीरो माइनस टू इंटू वन जीरो माइनस टू इंटू वन इसमें अप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा माइनस का टू और इसमें वन आर टू की बोले वन माइनस टू इंटू जीरो वन माइनस टू इंटू जीरो कितना हो जाएगा बेटा वन माइनस टू इंटू जीरो वन तो इधर वन ये ए हो जाएगा अब इस वाले एलिमेंट को वन लाना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा आर टू को वन बाई फाइव आर टू से डिवाइड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वन माइनस वन जीरो पॉइंट फाइव जीरो ही होगा फाइव पॉइंट फाइव वन हो जाएगा और इस तरफ भी आपको चेंज करना पड़ेगा वन जीरो माइनस टू बाई फाइव और वन बाई फाइव ये आपका ए हो जाएगा ठीक है अब क्या करना है बेटा आपको प्लस कर देना है इसको जीरो करना है इस वाले एलिमेंट को जीरो करना है तो आर वन प्लस आर टू अप्लाई कर लो आर वन प्लस आर टू लिखूँगा किस में आर वन में तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा माइनस वन प्लस वन जीरो वन वन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉरी ये ऑलरेडी जीरो है ठीक है यानी कि वन प्लस जीरो वन माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो का जीरो वन का वन अब इस इस तरफ भी आप ऐड कर लेंगे uh, आर वन प्लस आर टू तो. आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा वन माइनस टू बाई फाइव हो जाएगा तो फाइव माइनस टू बाई फाइव यानि कि थ्री बाई थ्री बाई फाइव हो जाएगा आपका और इधर कितना हो जाएगा जीरो प्लस वन बाई फाइव यानी कि वन बाई फाइव इस वाले कॉलम में वन बाई फाइव हो जाएगा माइनस का टू बाई फाइव वन बाई फाइव इंटू ए हो जाएगा ठीक जैसे ये अपॉन में चला जाएगा ये ए अपॉन में जाएगा ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाएगा इक्वल टू आई अपॉन ए ये वाला ए जो था इस ए को मैंने डिवाइड में डाल दिया थ्री अपॉन फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव और वन बाई फाइव हो जाएगा ठीक ये ऊपर आ जाएगा आई इंटू इसको ऊपर आप ले <coughs> तो आओ कितना हो जाएगा बेटा आई इंटू ए की पावर माइनस वन दैट मीन्स थ्री फाइव वन अपॉइंट फाइव माइनस टू अपॉइंट फाइव वन बाई फाइव फाइनल आई एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था आई इंटू ए इनवर्स यानी कि ए इनवर्स होता है बेटा प्रॉपर्टी बताए थे तो ये प्रॉपर्टी ए इनवर्स इक्वल टू फाइनल आपका आंसर कितना हो जाएगा थ्री बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव और वन बाई फाइव ये आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स फाइंड हो गया ठीक है ऐसे आपको सेकेंड थर्ड क्वेश्चन करने हैं ओके थैंक्स